जब भी हम यूट्यूबर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है या यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहता है, सबसे पहले उसको चाहिए होता है एक अच्छा सा माइक, अच्छा सा कैमरा, बस और कुछ नहीं चाहिए होता उसको अपने स्टार्टअप करने के लिए। लेकिन जब मैंने अपना स्टार्टअप किया था तो मैंने एक माइक लिया था, बोया M1 माइक था। मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ कि लिया था बोया का M1 माइक, इसने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने बहुत सी ऐसी अच्छी वीडियो, मतलब बहुत वीडियो बनाई, चीज़ें अभी बहुत वीडियो बनाई मैंने इस बोया M1 माइक से। बहुत अच्छा माइक है, अगर आप मोबाइल पे लगाना चाहते हो मोबाइल से लग जाता है, कैमरे में लगाना चाहते हो तो कैमरे में भी लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या हुआ मेरे साथ। तो पिछले 2 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा था, तो मैंने कई सारे यूट्यूबरों के पास या बड़े बड़े यूट्यूबरों के पास मैंने देखा था कि उनके पास होता है एक बड़ा माइक होता है ना, कंडेंसर माइक जो कहते हैं, वो माइक होता है। तो मैं सोचा यार मैं क्यों शायद ले सकता हूँ, मैं ले लूँ या उससे मेरा कोई बेनिफिट होगा या नहीं। तो मैंने कहा चल इन्वेस्ट करते हैं, एक अच्छा माइक इन्वेस्ट करते हैं। बस मैंने ये बातें जो है ना सब सोची और अपने फ्रेंड से बात ही की थी। तो भाई साहब उसी के दूसरे दिन, क्या दूसरे की, उसी दिन मैंने जब अपने रूम में गया तो मैं देखता क्या हूँ कि जो मेरा ये बोया का M1 माइक है वो अब नहीं रहा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए चूहों ने। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरा किसी चूहे ने नुकसान किया है, शायद कुछ गलतियाँ की होंगी मैंने। ऐसे तो अब इनका दिन चल रहा है गणपति बप्पा का, तो क्या बताएं अब हम, इसका सत्यानाश हो गया। और उसने एक जगह से नहीं काटा है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके टुकड़े टुकड़े किए उसने, टुकड़े टुकड़े। और उसने जगह जगह से काटा हुआ, मतलब भाई साहब जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो मेरे से। एक तो आप पता ही ना इसकी तार कितनी लंबी होती है, चाहे आप अपने पतंग उड़ा लो इससे, इतनी लंबी तार होती है पतंग उड़ जाएगी इससे। जगह जगह पर उसने ऐसे काटा हुआ है भाई, 4-5 हिस्से कर दिए। मैंने जब माइक देखा वो भाई साहब, मैं कह रहा ये क्या कर दिया भाई साहब इसने। तो मेरे घर वालों ने भी डांट देगी, तो ऐसे ना यार एक तो ना बहुत बड़ी तार है, समेटना बहुत मुश्किल होता था। तो खैर छोड़ो, ये बोया का M1 माइक जो है हमारे पास, मेरे साथ नहीं रहा। अब इसने बहुत साथ दिया, लेकिन भाई ये देख रहे हो गुच्छा, अच्छा माइक है बट अब नहीं रहा, बहुत साथ दिया इसने। लेकिन अब इसके बाद मैंने सोचा यार अब फिर मैं सोचता हूँ यार क्या बात की थी मैंने कि मैं एक माइक लेना चाहता हूँ और क्या वही माइक लूँगा मैं। तो बात ऐसी आई कि मैंने फिर ये ऑर्डर कर दिया, देख रहे हो ये है इसका नाम, साफ नहीं दिख रहा होगा, सीधा नहीं दिख रहा होगा, ये है ब्लू यति माइक। मेरे को पड़ा ये, नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा मैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, माइक तो हमारा नहीं रहा, नया अनबॉक्सिंग देखने के लिए वीडियो आ गई है देख सकते हो, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।